आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सुप्रभातम जी, आइए हम आज प्राणायाम की तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि प्राणायाम हमारे शरीर पर और हमारे मन पर किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम दो प्राणायाम को लेकर उपस्थित हैं। एक तो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने आज प्राणायाम को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, तो हम उन्हीं में से पंचम चरण जो है अनुलोम विलोम और द्वितीय अभ्यास में होता है कपालभाति। तो अभी मेरे साथ है हमारी योग शिक्षिका बहन भगवती जी, ये आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताएगी, इसके विधि को लाभ को, फिर हम कपालभाति को बताएंगे। जी प्रारंभ कीजिए। ओम नमस्ते। आज हम अनुलोम विलोम की विधि और इसके लाभ को बताएंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करने के लिए पद्मासन या फिर सिंहासन में बैठ जाएं और कमर गर्दन सीधी करें और अपने दाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाकर और अपने दाएं हाथ को दाएं नसीकर से बंद कीजिए। बाएं नसीकर से श्वास भरिए। दाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास भरिए। फिर दाएं से श्वास भरिए। फिर बाएं से भरिए। यह आवृत्ति लगातार 10 मिनट 15 मिनट या फिर आधा घंटा करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम वास्तव में हमारी जो मस्तिष्क का मुख्य रूप से देखा जाए तो दो पार्ट होता है, दायां और बायां भाग। उसको यदि हम स्वस्थ रखें, ब्रेन से ही सब कुछ है, क्योंकि दिमाग तेज रहेगा तभी हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो हमारी बहन जी ने अभी अनुलोम विलोम के बारे में बताएं कि 72,72,10,201 नस नाड़ी जो है वो पूरे इसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो अनुलोम विलोम करते हैं, दाएं नासिका बंद करके दाएं हमारी सूर्य स्वर, बाएं हमारी चंद्र स्वर। तो श्वास भरेंगे,
बायनाशी का शकीर दायनाशी कैसे सुनेंगे पुनः धीरे धीरे दायनाशी कैसे सांस भरेंगे और बायनाशी कैसे सुनेंगे, ये करते रहे कम से कम 2 मिनट 5 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायामम परम तपः, वास्तव में प्राणायाम की जैसा कोई दूसरा तप नहीं है। हमारे मन से एकाग्रता रहती है, शांत रहते हैं तो आप अवश्य करें। यदि आप ऊर्जावान रहना चाहते हैं, ऊर्ध्वरेता रहना चाहते हैं या सदैव स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिर्फ प्राणायाम ही एक आश्रय है, प्राणायाम का ही आप आश्रय ले सकते हैं, ये अति आवश्यक है। दूसरा करते हैं कपालभाति प्राणायाम, इसके लिए भी हम अपने कमर गर्दन को सीधे कर ले और कपालभाति प्राणायाम को धरती का संजीवनी कहा गया है, इस धरती का वर्तमान में वह ये करते हैं। कपाल भाति प्राणायाम, कपाल का अर्थ होता है मस्तक, भाति का अर्थ होता है चमक, एक दिव्यता लाता है हमारे चेहरे पर भी और ये हमारे फेफड़े को लेकर के हृदय से समस्त शरीर के लिए लाभदायक है, मन के लिए लाभदायक है। कपाल भाति प्राणायाम करते रहिए, कपाल भाति प्राणायाम। जिनको कई वर्षों से गांठ बन चुका था, जिनके शरीर में वो गांठ भी इससे खुल गए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने ऐसे कईयों केसेस को योग के माध्यम से उन्होंने स्वस्थ किए हैं। वैसे पूज्य गुरुवर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह योग की विद्या है, वो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हम भी कि वो योग को आप भी अपनाएं, अपने परिवार को भी ये सजेशन दें और योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाएं। कपाल भाति प्राणायाम, जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो ये पेट जो है अंदर की ओर खिंचाते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये इनका ये रामबाण उपचार है कपाल भाति, क्योंकि इसका सीधा इस प्रभाव हमारे प्रंकियाज ग्रंथि पर जाता है। एक मिनट में इसका 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार होता है, तो 5 मिनट में इसको 300 बार कर सकते हैं और 9 मिनट में आप कर सकते हैं इसको, अलग अलग आप इसको आवृत्ति जो है 1 मिनट में 60 बार होता है तो बहुत अच्छी बात है। श्वास को छोड़ने पर इस पर पूर्ण फोकस करना चाहिए। करते हैं कपाल भाति प्राणायाम, जो निरंतर कपाल भाति करता है वो हमेशा स्वस्थ ऊर्जावान रहता है। कैंसर, शुगर, ये सभी बीमारियों का शमन करने वाला है, ये धरती की संजीवनी है कपाल भाति प्राणायाम। तो कपाल भाति प्राणायाम अवश्य करें, मन को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जैसे हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, हमारे अंदर भोजन के माध्यम से या ऑक्सीजन के माध्यम से जो जहरीला पदार्थ अंदर जाए रहते हैं, अंदर में प्रवेश किए रहता है, वो कपाल भाति के माध्यम से हम जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो हमारी अभी बहन बहुत ही अच्छी कपाल भाति कर रही है, आइए हमारे साथ आप भी करें और फेसबुक में जितने भी जुड़े हमारे मित्रगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। करते हैं कपाल भाति, कपाल भाति प्राणायाम को जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको इसको नहीं कराते, या जिनको ऑपरेशन कराया रहता है तो उस स्थिति में इसको हम
उनको भी 6 महीना से लेकर 1 साल तक नहीं करने का सजेशन देते हैं। और जिस बच्चों को यदि बुद्धि बढ़ाना है तो अभी हमारी बहने ने बताई अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कपाल भाती भी तीव्र में धावी करता है, क्योंकि कपाल भाती प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट अवर डेली लाइफ एंड अवर बॉडी अवर माइंड अवर थॉट, ये सबको कंट्रोल करता है और सही दिशाओं पर ले जाता है। तो ऐसे आप भी शुभारम्भ कीजिएगा प्राणायाम का। हमने सुने हैं कि एक कल्प वृक्ष होता है जहाँ पर बैठ करके जो भी कल्पना कर लो वो मिल जाता है, लेकिन उसको हम सुने बस है भाइयों। और ये वर्तमान में कल्प वृक्ष से भी यदि कोई बेहतर दिखे तो ये प्राणायाम है। वास्तव में प्राणायाम करने से अद्भुत लाभ होता है, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो प्राणायाम के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से। एक पारस पत्थर के बारे में भी हमने सुने थे कि पारस पत्थर को जैसे ही लोहा को स्पर्श करा दो तो सोना कंचन सब हो जाता है, ऐसे सुने थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक अनुभूति प्राप्त किया है कि जो योग कर लेगा समस्त रोगों से वो निजात पा सकता है, ऐसा इसका भयानक और इसका अद्भुत लाभ देखने को मिला है कपाल भाती प्राणायाम से। तो बिल्कुल आप कपाल भाती प्राणायाम कीजिएगा, आपके हृदय रोग, फेफड़ा, सांस, दमा, अस्थमा, कैंसर जैसे असाध्य रोगों पर आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए कपाल भाती प्राणायाम को अपने दिनचर्या में ढाले और प्रतिदिन कपाल भाती का प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट से लेकर आधा आधा घंटा तक करें। तो इसी के साथ ओम नमस्ते जी, कल और मिलते हैं अनेक अभ्यासों के साथ।